हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है सैटरडे और वीकेंड होने के वजह से मेरी वाइफ भी घर पे है, तो हम सब लोग आज वॉक पे आए थे। फ्रेंड्स, बहुत सारा क्वेश्चंस इंस्टाग्राम पे आ रहा है फ्रेंड्स, रिलेटेड टू जॉब स्टडी। उसमें से एक कॉमन क्वेश्चन जो है वो सिविल इंजीनियर्स के बारे में, और सिविल इंजीनियर का स्कोप कैसा है इधर। मैं ऑलरेडी सिविल और कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के बारे में एक वीडियो बनाया था पहले, लेकिन आज थोड़ा और डिटेल में बता दूंगा। मुझे लगा था पहले कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सब लोगों को पता होगा, बट बहुत सारा क्वेश्चन है, तो मैं एक डिटेल वीडियो आज एक बना देता हूँ और उसमें हम लोग डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मेरे लिए सिविल के ऊपर जो है वो बोलना आसान है, क्योंकि मेरे मिसेस जो है वो भी उनका भी सिविल इंजीनियरिंग हुआ है इंडिया से। कोलकाता में इंजीनियरिंग हुआ था, उसके बाद इंडिया में ही 3 इयर्स का डिज़ाइन एक्सपीरियंस था। 3 साल मेरी मिसेस जॉब करने के बाद फिर हम लोगों का शादी हो गया। उसके बाद हम ऑलमोस्ट 7-8 महीने के लिए पुणे शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि पुणे में ही मैं रहता था। वहाँ पे मेरी मिसेस जो है वो उसने जॉब नहीं किया, क्योंकि हम लोग तभी पता चल गया था कि इधर स्वीडन में आना है, तो उधर ज़्यादा सर्च नहीं किया हम लोगों ने जॉब। फिर इन द मीन टाइम आफ्टर स्वीडन में जब हम आ गए थे, उसके बाद ऑलमोस्ट 6 महीने के बाद स्वीडन में भी जॉब मिल गया। जॉब मिलना इजी इसलिए रहा क्योंकि उसका एक्सपीरियंस था इंडिया में ऑलरेडी। तो मैं सारा कुछ डिस्कस करूँगा, क्या प्रोसेस था और क्या क्या प्रोसेस फॉलो किया जॉब मिलने से पहले, क्योंकि 6 महीने का जो टाइम था उस पीरियड में थोड़ा बहुत लैंग्वेज भी सीखना पड़ा उसको, और भी प्रिपरेशन रिज्यूम राइटिंग वगैरह यहाँ के स्टैंडर्ड के हिसाब से उसने किया था, तो उसके हिसाब से जॉब मिला फ्रेंड। तो बने रहिए इसी वीडियो में, सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हम लोग इधर आ गए थे जनवरी के बिगिनिंग में स्वीडन में, तो उसके बाद तब तो विंटर था, तो उसके बाद 1 महीने के बाद हम लोगों ने 1-1.5 महीने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे जो स्वीडिश लैंग्वेज का कोर्स है उसके लिए रजिस्टर किया, और 1 महीने का वेटिंग था, तो फरवरी में रजिस्टर किया और अप्रैल में वहाँ पे स्वीडिश लैंग्वेज के लिए इनविटेशन आ गया। तो मेरा अलग स्कूल में आया, क्योंकि मैं तभी इवनिंग में क्लास करने वाला था और मेरे मिसेस जो है वो फुल टाइम करने वाली थी, तो उसको अलग स्कूल में आया, तो उसने इंटेंसिव कोर्स में एडमिशन ले लिया। तो उसने मार्च में आ गया था, मैं गलत बोला थोड़ा, मार्च अप्रैल मई और जून, ये 4 महीना उसने इंटेंसिव कोर्स किया। इंटेंसिव कोर्स काफ़ी फास्ट चलता है फ्रेंड्स, उसमें उनका जो फर्स्ट लेवल है वो क्लियर हो गया फ्रेंड्स, और इंटेंसिव लेवल में वो लोग जॉब रिज्यूम राइटिंग और जॉब सर्चिंग में भी हेल्प करता है, थोड़ा बहुत क्लासेस अलग से रहता है, तो वैसा भी किया था। जो लोग यहाँ पे है उनको पता है SFE में जो इंटेंसिव कोर्सेस है वहाँ पे वो लोग एक्चुअली कल्चरल एडाप्टेशन भी करवा देता है, मूवी वगैरह देखने ले जाते हैं, तो सब कुछ अच्छा वहाँ पे इंटीग्रेशन होता है फ्रेंड्स एक तरीके का। तो सारा कुछ हो गया फिर, तो जून में ही, मई जून से ही मेरी मिसेज जो है जॉब के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया था, और थोड़ा बहुत रिप्लाई आ रहा था। फिर जुलाई में जाके ज़्यादा इंटरव्यू देने लगी, फिर एक कंपनी में हो गया, वहाँ पे डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंट कंट्रोलर का पोजीशन है, तो डिज़ाइन जो है पहले से भी एक्सपीरियंस था, तो वहाँ पे एक टनल बन रहा था इनका, टनल और फिर ब्रिजेस, ये सब का जो कूलिंग डिज़ाइन है, पाइपिंग डिज़ाइन है, ये सब मेरी मिसेस एक्चुअली करती है। इंडिया में कोई अलग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही थी वो, अभी इधर ऑटोकैड यूज़ करती है फ्रेंड्स। तो ऑडियंस को हाय बोलना है। हाय। और फिर आज आप क्या कर रहे हैं वीकेंड में? मैं वॉक, और वॉक के बिना तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि अभी तो कोरोना सिचुएशन है, सो कांट गो एनीवेयर बिकॉज ऑफ माय डॉटर, सो जस्ट वॉक एंड एंजॉय द फ्रेश एयर। ओके। तो फ्रेंड्स, मैं जो कह रहा था, तो इसी तरीके से फिर जुलाई में अप्रोक्सीमेटली उनको जॉब मिल गया, डिज़ाइन डॉक्यूमेंट
कंट्रोलर का, तो प्रीवियस जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी काम में आया है। फ्रेंड्स ऑटो कैट का भी नॉलेज था लेकिन इंडिया में दूसरे सॉफ्टवेयर में काम कर रहे थे फ्रेंड्स, और जो लैंग्वेज का है उसका थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा फ्रेंड्स। मैं बोलूँगा अगर आपका अच्छा, बहुत ही अच्छा एक्सपर्ट लेवल में एक्सपीरियंस है तो लैंग्वेज का ज़्यादा नहीं पूछेंगे वो लोग। अब बता देना हम, मैं सीखने इंटरव्यू में अगर पूछा तो बता देना आई एम गोइंग टू लर्न लैंग्वेज, स्वीडिश लैंग्वेज, और साइड बाय साइड आप लैंग्वेज के लिए प्रिपरेशन करते रहना फ्रेंड्स। और इन द मीन टाइम फ्रेंड्स और एक चीज़ मैं बताना भूल गया। हाँ सोजा जाबे उपमा, सोजा चलो, हाँ एक पड़े इसे नेमे जाबो। तारपर और एक चीज़ था इन द मीन टाइम जो मैं बताना भूल गया फ्रेंड्स, हम लोग इधर मेरे मिसेस है ना शैलमर्स यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए भी अप्लाई किया था, वो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग में था मास्टर्स, वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव था, हमारा वेटिंग लिस्ट तक नाम चला गया था, लेकिन उसके आगे वो हुआ नहीं फ्रेंड्स। उस समय सितंबर से कई सारे कोर्सेज चालू होता है, तो उसी साल सितंबर के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया था फ्रेंड्स, तो लेकिन हुआ नहीं। शैलमर्स में हमने पूरा प्रोसेस फॉलो किया था, तो एप्लीकेशन सक्सेसफुली हो गया था, फिर वो काफ़ी आगे तक चली गई थी, फिर वेटिंग लिस्ट आई थिंक 11 वगैरह में नाम था मेरे को जितना याद है, मैं श्योर नहीं हूँ, 11 वेटिंग लिस्ट 11 तक था, उसके बाद कैंसिलेशन नहीं हुआ क्योंकि वो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन का जो MS है मास्टर्स है उसमें कई ज़्यादा कंपटीशन है, कई सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी है उसमें, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी है। तो ये था फ्रेंड्स सारा हिसाब किताब हमारा। सिविल इंजीनियरिंग का जो जॉब था ये जर्नी ऐसा है फ्रेंड्स। और एक चीज़ बता दूँ, मेरे मिसेज जो है वो परमानेंट नहीं है, उसका एवरी 6 मंथ्स जो है नया कॉन्ट्रैक्ट मिलता है उनको, एवरी 6 मंथ्स में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है डायरेक्ट कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में। फ्रेंड्स देखिए फ्रेंड्स सिर्फ 3 साल का जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे स्वीडन में खास करके गोथेनबर्ग में कई सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है आज के डेट में, तो सिविल इंजीनियर, डिज़ाइन इंजीनियर, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर का बहुत डिमांड है, RCC इंजीनियर्स, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। और वैसे भी फ्रेंड्स अभी गोथेनबर्ग का एनिवर्सरी भी है वेरी रिसेंटली, मतलब ये गोथेनबर्ग जब ये स्टार्ट हुआ था ये सिटी, तो गोथेनबर्ग में फ्रेंड्स बहुत सारा कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। सिटी जो ये सिटी का जब भी एस्टेब्लिश हुआ था तो वो 400th बर्थडे है, 400 ईयर्स कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स गोथेनबर्ग में बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है फ्रेंड्स, ब्रिजेस, टनल्स और कई सारे टाइप का बिल्डिंग्स भी बन रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पे साइट इंजीनियर्स का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, साइट इंजीनियर्स अगर एक्सपीरियंस है, लेकिन फ्रेंड्स सब कुछ में एक आपका अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडिया से या कहीं से भी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स और एक बता दूँ, मेरी मिसेज जो है पहले वो साइट ऑफिस में ही बैठ रही थी, हर एक साइट के पास एक यहाँ पे एक 10-15 लोग बैठने लायक ऑफिस बनता है फ्रेंड्स, अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो बड़ा ऑफिस भी बन सकता है। तो वो जो ऑफिस है उसी वैसे ही ऑफिस में जो जब भी मेरे मिसेज ने ज्वाइन किया था वैसे ऑफिस में ज्वाइन की थी, बाद में वो प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद अब भी फिलहाल उनके हेड ऑफिस में बैठ रही है फ्रेंड्स, वो वहाँ से काम कर रही है, लेकिन इसके पहले साइट ऑफिस में थी। साइट ऑफिस में पूरा मल्टीनेशनल कल्चर है फ्रेंड्स, क्योंकि साइट में कई सारे एक्सपर्ट्स हैं जो आसपास के यूरोपियन कंट्रीज या डिफरेंट कंट्रीज से भी आ रहे फ्रेंड्स जो साइट में काम कर रहे हैं, तो पूरा मल्टीनेशनल कल्चर है, तो इंग्लिश, स्वीडिश, जर्मन, पोलिश ये सारे लैंग्वेजेस बोला जाता है फ्रेंड्स उधर, तो इंग्लिश से भी काम चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई कीजिए यहाँ पे सिविल कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग में, ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको सक्सेस मिलेगा मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है तो उनको डिमांड रहेगा तो जॉब भी मिल जाएगा, और जो लोग मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है ये सब फील्ड में। मैं बोलूँगा जो मास्टर्स के लिए आ रहे हैं वो लोग एटलीस्ट 2-3 साल का एक्सपीरियंस बैचलर्स के बाद लेके फिर मास्टर्स करने के लिए आइए, फिर उनको ये बेनिफिट मिलेगा फ्रेंड्स उसका। तो ये था फ्रेंड्स सारा हिसाब किताब, मैंने पूरा डिटेल बता दिया जो सिविल इंजीनियरिंग इधर क्या होता है। वैसे सिविल इंजीनियर को यहाँ पे बिग टेक्निक इंजीनियर बोलते हैं, बिग इंजीनियर, बिग यानी कुछ कंस्ट्रक्शन। तो वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।
मेरे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलता हूँ किसी और एक वीडियो में।